देखिए, अभी तक हमने हमारी जो फर्स्ट बुक है जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इस वाली टेक्स्ट बुक में से हमने लगभग 8 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। कोशिश ये की गई है कि हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को इंडिविजुअली अलग लेक्चर के अंदर कवर किया जाए, और सारे लेक्चर्स हमने कवर किए हैं, सारे लेक्चर्स हमने अच्छी तरह से डिटेल में देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कहीं पर किसी लेक्चर में, किसी वीडियो में डाउट्स लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हो। रेगुलरली स्टूडेंट्स वहां पर आते रहते हैं, अपनी क्वेरीज को पोस्ट करते रहते हैं, और इन टाइम उनकी क्वेरीज को सॉल्व भी करने की कोशिश की जाती है, और आगे भी जारी रहेगी। ये इसी लेक्चर की सीरीज में हम आज अपनी फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ये व्यापार क्या चीज होती है, ट्रेड किसे कहते हैं, और नेशनल ट्रेड क्या होता है, मल्टीलेटरल ट्रेड क्या है, बाइलेटरल ट्रेड क्या है, नेशनल ट्रेड क्या है, रीजनल ट्रेड क्या है, जितनी सारे भी ये टर्म्स हैं, हम सारी टर्म्स को आने वाली वीडियोस में एक एक करके कवर करेंगे। और जो सबसे मेन टॉपिक हमारे इस चैप्टर का रहने वाला है वो है इंटरनेशनल ट्रेड, यानी व्यापार जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है वो किसे कहते हैं, उसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से पिलर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड करता है, और कौन कौन सी पॉलिसीज रहती हैं, और कौन कौन से ऐसे फीचर्स रहते हैं इसके, हर एक चीज को इस लेसन के अंदर कवर किया जाएगा। तो हमारा जो आज का फर्स्ट ये लेक्चर है इस यूनिट का, इस चैप्टर का, वो रहने वाला है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखो हमारी बुक के ऊपर जो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको आप बच्चे खुद अपने लेवल पर घर बैठ करके उसकी रीडिंग करोगे और आपको हर एक चीज की समझ आएगी। और इसका जो मेन टॉपिक है वो है, सबसे फर्स्ट टॉपिक इसका हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास क्या है, कहाँ से ये चीज, कहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी और आज कहाँ तक पहुंच चुकी है ये। तो मैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को पॉइंट वाइज यहां पर आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है हमारी बुक के अंदर वो लिखा है, इन एंशियंट टाइम्स ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू लोकल मार्केट्स, स्लोली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड डेवलप्ड, ऑफ विच सिल्क रूट इज एन एग्जाम्पल। देखो एंशियंट टाइम्स में क्या होता था कि लोग जो चीजों को बेचा करते थे, जो खरीदा करते थे, वो अपने आसपास के जो पड़ोस के एरियाज होते थे बस वहीं तक ले जाकर के बेचते थे। इसकी वजह क्या थी, एक तो ट्रांसपोर्टेशन के साधन तब अवेलेबल नहीं रहते थे। देखो अगर किसी किसान ने अगर कनक उगाई है तो वो क्या करेगा, कनक का बोरा अपने पीठ पे उठाएगा, तो पीठ पे उठा करके वो कितने दूर लेके जा सकता उसको, क्योंकि साधन तो थे नहीं, ट्रेंड्स नहीं थी, उसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट नहीं था, ट्रांसपोर्ट के साधन ही नहीं हुआ करते थे उस टाइम पर। तो जानवरों का, पैक एनिमल्स का यूज करके, या फिर जो उस टाइम पर इंसान अपनी पीठ पर लाद करके सामान को कितना दूर ले जा सकते थे, तो शॉर्ट डिस्टेंसेस के ऊपर अपने आस पड़ोस के एरियाज में उन चीजों को बेचा जाता था और साथ में खरीदा जाता था। इस तरह से जो व्यापार था वो शॉर्ट डिस्टेंसेस तक लिमिटेड था, वहां तक सीमित था, लोग ज्यादा दूर नहीं जाया करते थे। फिर जैसे जैसे क्या हुआ, टाइम बढ़ने लगा, आगे कहानी आगे चलती गई, इंसानियत की, मैनकाइंड की डेवलपमेंट की कहानी आगे बढ़ने लगी, और धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन थे वो डेवलप होने लगे। इससे क्या हुआ, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था वो भी धीरे धीरे डेवलप होने लगा। तो एंशियंट टाइम्स में लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेड था उसका एकमात्र हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो क्या है, सिल्क रूट जिसे कहते हैं। देखो इटली की राजधानी है रोम, द सिटी ऑफ रोम, उस टाइम पर, ये एंशियंट टाइम्स में रोमन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था, बहुत बड़ा साम्राज्य था ये, ठीक है। तो रोम का जो व्यापार चलता था वो चलता था चाइना के साथ, रोम से सामान उठा करके चाइना लाया जाता था और चाइना से उठा करके वापस रोम तक भेजा जाता था। ये लगभग 6,000 किलोमीटर लंबा रूट था, ये सिल्क रूट जिसे कहते हैं। मेनली इस रूट के ऊपर जो आइटम ट्रेडेड हुआ करती थी, जिसका व्यापार होता था, वो थी सिल्क, ठीक है। आगे इसमें लिखा है, द रूट वॉज 6,000 किलोमीटर लॉन्ग कनेक्टिंग रोम टू चाइना, एंड ट्रेडर्स ट्रांसपोर्टेड चाइनीज सिल्क, रोमन वूल, मेटल्स थ्रू दिस रूट। लेटर सी एंड ओशन रूट्स वर डिस्कवर्ड एंड ट्रेड ग्रियो। देखो इस सिल्क रूट से क्या होता था, जो चाइनीज सिल्क थी उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता था। देखिए ये जो रूट था ना, ये ट्रेन्स का रास्ता नहीं था, ना इस पे गाड़ी चला करती थी, ये एक डीमार्केटेड रूट था जिसके ऊपर ऊंट पर, घोड़ों पर, खच्चरों पर सामान लाद करके
इस पूरे रास्ते को ट्रेवल किया जाता था, इस पे बेचा जाता था। ठीक है, तो सिल्क रूट वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंशियंट ट्रेडिंग रूट था ये, जिसके ऊपर दुनिया भर की जो आइटम्स थी वो इन दो अंपायर्स के बीच में ट्रेड हुआ करती थी। आगे इसमें लिखा है कि धीरे धीरे जब ट्रांसपोर्ट के साधन डेवलप होने लगे तो सी रूट्स को डिस्कवर किया गया। जब इंसान ने पानी पर तैरना शुरू कर दिया या फिर उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट को डेवलप कर लिया बोट्स की हेल्प से, जितने भी ये साधन थे पानी के ऊपर तैरने वाले, जब धीरे धीरे इंसान ने इनको डेवलप किया, तो उसके बाद लैंड को छोड़ करके सी रूट्स का भी यूज किया जाने लगा फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। और जब गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है तो उसी को ट्रेड कहते हैं, है ना। जब हम कोई चीज बेच करके किसी दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं तो उसी को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, और पहुंचाते क्यों है, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग, सेलिंग एंड बाइंग। ठीक है, तो धीरे धीरे सी रूट्स को, ओशन रूट्स को डिस्कवर किया गया और व्यापार और ज्यादा ग्रो करने लगा। सेकंड पॉइंट यहां पर लिखा है द स्लेव ट्रेड इमर्ज इन 15th सेंचुरी इन विच द पोर्तुगीज, डच, स्पेनियर्ड्स एंड ब्रिटिश कैप्चर्ड अफ्रीकन नेटिव्स एंड सोल्ड टू प्लांटेशन ऑनर्स इन अमेरिका। देखो दूसरी एग्जाम्पल क्या आने लगी, जिसको हम स्लेव ट्रेड कहते हैं, इंसानों को खरीदना और इंसानों को जाकर के बेच देना। ये ट्रेंड कहां से शुरू हुआ? देखो, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जब औद्योगिक क्रांति आई और पूरी दुनिया पर जो ब्रिटेन था इसने कॉलोनियलाइजेशन को प्रैक्टिस किया, जितने भी गरीब देश थे, जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी, जो छोटे देश थे, उनके ऊपर उन्होंने क्या किया, अपनी पावर का यूज करके उनको अपने कब्जे में ले लिया और फिर वहां के लोगों को अपनी मर्जी से एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। तो गरीब लोग हुआ करते थे ये ट्राइबल्स, अफ्रीका के जो मैक्सिमम देश थे उनके लोग बहुत गरीब और ट्राइबल और बहुत पिछड़ी हुई जनजातियों के लोग यहां पर रहते थे। इन्होंने क्या करना शुरू किया, इनको लेबर की जरूरत रहती थी, काम करने वाले मजदूर इनको सस्ते में चाहिए होते थे। तो ये क्या करते थे, अपनी कॉलोनीज में से, अपनी जो इनके अंडर जो कंट्रीज होती थी, वहां से इन किसानों को, इन लेबरर्स को, इन मजदूरों को ये बेच और खरीद लिया करते थे, जिसको स्लेव ट्रेड कहते हैं। स्लेव कहते हैं नौकरों को, गुलाम को स्लेव कहा जाता है। ठीक है, जैसे कोई इंसान है, उसको मैंने 2 लाख रुपए देकर के खरीद लिया है, वो सारी जिंदगी फिर वो मेरा नौकर रहेगा, सारी जिंदगी वो मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करेगा, उसको जैसा मैं कमांड करूंगा वो जिंदगी भर के लिए मेरा गुलाम है फिर वो। इसको गुलाम व्यापार या फिर स्लेव ट्रेड कहा जाता था। तो इन अफ्रीकन कंट्रीज में से ही क्या करते थे ये ब्रिटिशर्स, ये वहां से लोगों को खरीदा करते थे सस्ते में, इंसान को यहां से खरीदना और उसको ले जा करके वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर या फिर यूरोप के अंदर जाकर के महंगे दाम पर उनको बेच दिया जाता था, जहां पर वो सारी सारी जिंदगी अपने मालिकों के लिए काम करते रहते थे। तो इस इंसान के व्यापार को क्या बोला गया, स्लेव ट्रेड बोला गया इसको। तो ये दूसरी एग्जाम्पल थी व्यापार करने की, समझ गई बात को। तो इंसानों का भी व्यापार होता था उस जमाने में, जिसको स्लेव ट्रेड कहा जाता था। आगे इसमें लिखा है आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स एंड एक्सपोर्टेड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स टू नॉन इंडस्ट्रियल रीजन्स। फिर जैसे जैसे समय ग्रो होता गया, आगे समय आगे बढ़ता गया, तो क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जब ब्रिटेन के अंदर या फिर वेस्टर्न यूरोप के अंदर भारी संख्या में उद्योगों की रचना की गई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया। अब उन इंडस्ट्रीज में क्या होता था कि ब्रिटेन के अंदर एग्रीकल्चर तो कम है, एरिया भी वहां पर उनके पास कम है, तो फैक्ट्रीज में सामान को बनाने के लिए कच्चे माल की बहुत जरूरत पड़ती थी। सपोज करो कि फैक्ट्रीज में कपड़ा बनाना है, कपड़ा किससे बनेगा, मिट्टी से तो बनेगा नहीं वो, या पत्थर से तो नहीं बनेगा वो, तो कपड़ा बनाने के लिए या तो सिल्क की जरूरत पड़ती थी या फिर कॉटन की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, तो ये कॉटन या सिल्क ये ब्रिटेन में नहीं उगाया जाता था, ये एशियाटिक या फिर अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर उगता था ये। अब हुआ क्या, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई तो ब्रिटेन के अंदर बाहर से क्या आने लगा, रॉ मटेरियल का अंदर इनफ्लो स्टार्ट हुआ ब्रिटेन के अंदर या फिर आसपास की कंट्रीज के अंदर जहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। ठीक है, तो लेस डेवलप्ड कंट्रीज से ब्रिटेन की तरफ रॉ मटेरियल जाने लगा और ब्रिटेन से वापस बना हुआ माल जो था वो बाहर बाकी कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट किया जाने लगा। तो इस तरह से क्या हुआ, ट्रेड और ज्यादा डेवलप हुआ, बाहर से कच्चा माल अंदर आता था और यहां से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बन करके फैक्ट्रीज में से माल बनने के बाद वापस अपनी कॉलोनीज में, अपनी मार्केट्स के अंदर इनको पूरी दुनिया में भेज दिया जाता था। तो इस तरह से चीजों का आना और जाना शुरू हुआ। चीजों के आने और जाने को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड कहा जाता है इसको, समझ रहे हो मेरी बात को आप लोग। थर्ड पॉइंट इसमें लिखा है
इंटरनेशनल ट्रेड इज द रिजल्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। एक कंट्री के पास कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन है, तो वो कंट्री अगर उसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में काम करती है तो वो उसको सस्ते में बनाती है, अच्छी तरह से बनाती है और एफिशिएंटली बना सकती है उसको। तो हर कंट्री के पास कोई पार्टिकुलर चीज बड़ी एडवांस लेवल पर है, बड़ी अच्छी लेवल पर है, जिसमें वो मास्टर होती है। तो वो कंट्री अपनी उस चीज को अच्छी तरह से बना करके दूसरी कंट्रीज को सस्ते में बेच सकती है, क्योंकि उसके घर में वो चीज आसानी से बन जाती है। तो इसी तरह से जो स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर है, ये व्यापार को बेनिफिशियल बनाती है फॉर द ट्रेडिंग पार्टनर्स। जैसे इंडिया में पेट्रोलियम नहीं होता है, कम होता है, जितनी यहाँ की डिमांड है उतनी यहाँ पर पेट्रोलियम की सप्लाई नहीं है। तो अगर हम यहीं से तेल बनाने की कोशिश करेंगे या फिर यहाँ पर हम कुछ भी करेंगे तो ये हमें महंगा पड़ेगा। तो हमें अब उस कंट्री को ढूंढना है जिसके पास पेट्रोलियम के भंडार भरे पड़े हैं, जिसके पास पेट्रोलियम सस्ते में अवेलेबल है। अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें उस कंट्री से सस्ता पेट्रोलियम इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से नेचर ने क्या किया है, रिसोर्सेज को पूरी दुनिया के ऊपर हर एक कंट्री में अनइवनली या फिर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। हर कंट्री के पास सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, किसी के पास एक चीज है, किसी के पास दूसरी चीज है, तो हर कंट्री को दूसरी कंट्री की जरूरत पड़ती रहती है फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर नीड्स। तो इस तरह से क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल होता है। समझ गई बात को? आने वाले लेक्चर में आपको समझाऊंगा बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है इसके बेसिस क्या क्या है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये व्यापार डिपेंड करता है, क्या जरूरत पड़ जाती है इंसान को चीज बेचने की या खरीदने की।